अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। गुम्बद देखकर तो आप लोग जान ही गए होंगे। मैं भी फ़िलहाल कूफा में हूँ, मस्जिद कूफा में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारे अंबिया आकर नमाज पढ़े हुए हैं। इस जगह मस्जिद कूफा में ऐसा एक जगह है कि सारे अंबिया उलमा जितने हैं सारे यहाँ पर नमाज पढ़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत नज़ारा है। और जो किस्ती निकली थी, जो किस्ती उबाल मारी थी, वो किस्ती का यही एक जगह है जो कि यहाँ से किस्ती निकली थी। और बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, ये वही जगह है जहाँ से किस्ती उबाल मारी थी। ये देखिए यहीं पे लोग वुजू करते हैं और पानी भी पीते हैं। यहीं से जो है वो पानी निकलता रहता है, हमेशा यहाँ से पानी निकलता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए ये पानी ख़त्म नहीं होता है, अल्लाह की मर्ज़ी ये पानी ऐसे उबाल मार रहा है। देखिए यहीं से किस्ती जो है उबाल मारी थी, जैसा पानी देख रहे हैं आप सब, पानी गिर रहा है। यहाँ पे लोग वुजू बना रहे हैं, पानी पीने की भी जगह है। और भी आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा मैं सारा, बने रहें आप लोग वीडियो में। और जो ये मार्बल देख रहे हैं ये अल्लाह की करामत है कि ये जो मार्बल है इतना ये ठंड है कि गर्मी में एकदम ठंड रहता है और ठंडी के मौसम में गर्म रहता है। ये अल्लाह का करामत है। ये देखिए ये मौला अली का जो है, इसके पीछे मौला अली का घर था, अभी भी वो मौला अली का घर मौजूद है जो कि मिट्टी से वो घर बना हुआ था। और इंशाल्लाह आप सबको हर सारी चीज़ की मैं ज़्यारतें कराऊंगा और आप लोग वीडियो में बने रहें। जब आप वीडियो आखिर तक देखेंगे फिर आप लोग समझेंगे कि हाँ मस्जिद कूफा में क्या क्या हुआ था। और इंशाल्लाह आप सबको लेके चलता हूँ, लोग को ज़्यारत कराता हूँ और वीडियो आखिर तक देखें। जब वीडियो आखिर तक देखेंगे फिर इंशाल्लाह आप लोग के समझ में आएंगे। देखिए बनावट देखिए कितना खूबसूरत है मस्जिद कूफा की, जो कि बहुत देखिए अंदर इंशाल्लाह मैं चल रहा हूँ, आप लोग को अंदर की ज्यारतें करा रहा हूँ। लोग ज्यारतें कर रहे हैं और यही वो गेट है माशाल्लाह। यहीं पे जो है मौला अली का घर था इधर ही। ये देखिए मौला अली नमाज पढ़ते थे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो कि बहुत हम सब लोग बहुत नसीब वाले हैं जो कि मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारे अंबियाए उलमाए यहाँ पर नमाज पढ़े हैं। ऐसा कोई नहीं है कि जो कि यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ाए आकर के। यही मस्जिद कूफा मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह आपको भी तौफीक दे, इंशाल्लाह आप भी आएँ मस्जिद कूफा की और अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात की आप लोग भी ज़ियारत करें। अल्लाह सबको तौफीक दे। ये जो है कुरान मजीद है, वीडियो में बने रहें इंशाल्लाह सारी चीज की हम आप सबको ज़ियारतें कराएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम या अहले रहमान रहीम। देखिए यहाँ का पिलर देखिए कैसा बना हुआ है, यहाँ का नज़ारा देखिए यहाँ का। इस जगह पे ऐसा नहीं है कि कोई भी मोमिनीन नहीं आता हो, जो मौला अली के यहाँ पर आएगा वो ज़रूर यहाँ पर पहुँचेगा। और सारी जो है जितने हमारे अंबिया और उलमा थे इतने सारे यहाँ पर नमाज पढ़े हुए हैं इसी जगह पे, सारे अंबिया यहाँ पर नमाज पढ़े हुए हैं।
तो हम सब लोग बहुत नसीब वाले हैं जो कि अल्लाह ने सबको तौफीक दिया है, यहाँ पर इतनी दूर पड़े हुए हैं और यहाँ पर इनका ज़्यारत भी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब आए और मौला अली का, मौला अमीर मोमिनीन सबका आप सब ज़्यारतें करें। अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो में बने रहें इंशाल्लाह, आप सबको ज़्यारत करा रहा हूँ, चल रहा हूँ इंशाल्लाह अंदर। अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैकुम अल्लाह। ये देखें दरवाज़ा, देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत दरवाज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا أمير المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد السلام يا الله देखिए माशाल्लाह सारा गोल्ड का है, सारा ये प्योर जितना दिख रहा है प्योर गोल्ड है ये। और वीडियो में बने रहें इंशाल्लाह, आप लोग हमारी वीडियो को सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसा ही आप सबको ज़्यारत कराते रहेंगे मौलाए कायनात की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको इंशाल्लाह ऐसे ही हम ज़्यारत कराते रहेंगे मौलाए कायनात की। ज़ायरीन आए हुए हैं ज़्यारत करने के लिए, सब ईरान के और पाकिस्तान के लोग हैं ज़्यारत करने आए हुए हैं सब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیارت کریں, یہ اندر کی طرح اندر کی ویڈیو ہے ماشاء اللہ الحمد للہ. آپ لوگ یہ زیارت کریں. یہ سارا کرانسی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ پلر دیکھو کتنا خوبصورت ہے. چلیے انشاءاللہ میں بھی ویڈیو ختم کرتا ہوں, اور انشاءاللہ اس جگہ پہ آیا ہوں. اس جگہ پہ سارے انبیاء نے آ کر کے نماز پڑھے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ ہم آئے ہیں کیوں واپس جائیں. ہر جگہ دو دو رکعت نماز ہم بھی پڑھ لیں. چلیے انشاءاللہ اوکے. آپ لوگ بھی اپنا خیال رکھنا اور دعا میں مجھے یاد رکھنا. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے, اللہ حافظ. اور آپ لوگ میرے ویڈیو کا مدد کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں, اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اوکے, اللہ حافظ.